महावीर के ऊपर आधारित, जैन धर्म के ऊपर आधारित एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है और इसमें मैंने एक राजा की भूमिका निभाई है। राजा जो समाज में बड़ा ही अच्छा एक मैसेज देना चाहता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे वो महाभारत हो या रामायण हो, इन सभी सीरियलों में या सभी जो फिल्में भी बनी हैं इनके ऊपर आधारित, उनमें हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज को दिखाया जाता है। इस शो में भी अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज को दिखाया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थोड़ी बहुत रोचकता सब में होती है, इसलिए फिल्म को रोचक बनाने के लिए कुछ थोड़ी बहुत लिबर्टियां भी ली जाती हैं और फिल्म बना के प्रस्तुत की जाती है, उसके बाद हमारे दर्शकों के सामने आती है, हम उसको पर्दे पर देखते हैं। अब हमारे इस शो में जितने भी हमारे टेक्नीशियंस थे, जो हमारे कलाकार थे, सबने बड़ी ही मेहनत से काम किया है और एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है, प्रयास किया है, जिसमें बहुत अच्छा मैसेज है हमारे धर्म से जुड़ा हुआ, हमारे समाज से जुड़ा हुआ, हमारे मेडिटेशन से जुड़ा हुआ, हमारे खान पान से जुड़ा हुआ, इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ इसमें एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज भी दिया है। अब ये डिपेंड करता है हमारे दर्शकों के ऊपर, जब वो इस फिल्म को देखेंगे द जनेश्वर ऑफ द लेजेंड ऑफ द जनेश्वर के बारे में, और उनको कैसी लगती है फिल्म या कैसी नहीं लगती है वो हमारे दर्शक देखने के बाद ही बताएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभिनेता ही कलाकार होता है, और कलाकार को जब कोई एक अच्छा कैरेक्टर दिया जाता है तो वो पहले इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करता है, क्योंकि ये जो लेजेंडरी कैरेक्टर होते हैं, द बिगर देन लाइफ लार्जर देन लाइफ वाले, उसके बारे में जैसे आम जनता में आपने फादर का रोल करना है, दादा का रोल करना है, तो वो तो बड़ा ईजीली आप प्ले कर लेते हैं, लेकिन जब कोई कैरेक्टर कोई लेजेंड का कैरेक्टर आपको जब मिलता है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है और आपको थोड़ा सा सीखना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग जाननी पड़ती है। और मेरे ख्याल से सभी कलाकार, जितने बड़े कलाकार हैं, वो पहले थोड़ा सा अपने कैरेक्टर को स्टडी करते हैं और उसके बाद हम उसी चीज़ को अपने सुनहरे पर्दे पर देखते हैं। दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार अपने समाज का दर्पण ज़रूर देखें, एक खूबसूरत फिल्म ज़रूर देखें, एक बहुत अच्छी फिल्म महावीर के ऊपर, उसे ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिकॉशंस लिए, उनको नाम नहीं जम रहा था।
था फिल्म का, फिल्म का नाम था पहले द लेगेसी ऑफ जिनेश्वर, लेगेसी ऑफ महावीर सॉरी, बाद में हमने CBFC के कहने पे नाम चेंज किया द लेगेसी ऑफ जिनेश्वर। कुछ उन लोगों ने हमसे प्रूफ्स मांगे, हिस्टोरिकल प्रूफ्स उनको हमने दिए और फाइनली फिर उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दिए। मैं यही चाहता हूँ कि इससे पहले भी जर्नलिज्म पे फिल्में बनी हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पे ग्लोबली, अभी मैं मेरे पार्टनर से बात कर रहा था कि हम लोग इसको ग्लोबली रिलीज़ कर रहे हैं, इट्स अ वर्ल्ड वाइड रिलीज, जर्मनी में, ईस्ट अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई इस फिल्म को जाके देखे, जैन ही नहीं अजैन भी फिल्म को जाके देखें, क्योंकि इसमें सबके लिए बहुत कुछ है देखने के। प्योरनेस, प्योरिटी और ट्रूथनेस, तो जो
जगदीश सूरी ने शास्त्रार्थ किया था सुराचार्य के साथ, उसमें उन्होंने कैसे सत्य को जीता था उस पूरा चित्रण इस फिल्म में किया गया है जो खतरगढ़ सहस्त्राब्दी महोत्सव समिति के अंतर्गत बनी। मैं पूरे मीडिया का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने एक इस धार्मिक फिल्म के लिए अपना इतना समय निकाल कर आप लोग यहाँ आए, ताकि एक देश को संस्कृति का सही रूप दिखाने के लिए आपके मीडिया ने जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शब्द हूँ मैं इस बारे में। खैर, मैं इस फिल्म में वैसे नेगेटिव किरदार कर रहा हूँ, जो सुराचार्य का किरदार है मेरा इसमें इस फिल्म में बहुत ही ट्विस्ट लाता हूँ मैं, क्योंकि एक फिल्म बिना विलेन के अधूरी रहती है। जैसे इस फिल्म में मानिए जिनेश्वर स्वामी है, अपने वर्धमान सूरी है, ये गुरु शिष्य के बीच अगर कोई इनमें मतभेद पैदा करता है या इन दोनों के बीच कोई खटास पैदा करता है, इनमें छूट का अगर कोई साथ देता है, या मैं इन दोनों के बीच इनको बदनाम करने पर इतना तुला होता, वो सब तर्क वितर्क है इस फिल्म में, पूरा पूरा शास्त्रार्थ है। और उस शास्त्रार्थ में आखिर में मेरी हार होती है, बिकॉज क्योंकि मैं इसमें नेगेटिव सुराचार्य का किरदार कर रहा हूँ, और ये दोनों इस फिल्म के हीरो हैं जो आज प्रीमियम पर आ नहीं सके, क्योंकि एक तो ये मुंबई में शूटिंग कर रहे हैं अपने जिनेश्वर स्वामी, और दूसरे जो है हमारे मनीष मिश्रा वो हरियाणा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, और इन दोनों ने अपना 100% दिया है इस फिल्म में, पूरी मेहनत की है इन्होंने इस किरदार के लिए, अपने हाव भाव जहाँ तक की चाल, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, और इन्होंने इस किरदार को जिया है, अपने अंदर उतारा इस किरदार को, ताकि दर्शकों के सामने जब ये फिल्म पर्दे पर आए तो वाकई में ऐसा लगे कि कोई फिल्म बनी है जिसके लिए इन्होंने पूरी अपनी मेहनत की। बस मैं चाहूँगा दर्शकों से कि वो इस फिल्म को देखें, इस महावीर जयंती पर इस फिल्म को प्रतिसाद दें, इसको सराहें, क्योंकि ये फिल्म वाकई में बहुत अच्छी फिल्म बनी है, पूरी टीम ने मेहनत की है, और वो फिल्म के माध्यम से आपको इसमें सारी चीज़ें नज़र आएगी। बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू, धन्यवाद। लेगेसी ऑफ जिनेश्वर बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई है, और एक फिल्म नहीं है, एक तथ्य है, जांच परख के बनाई गई होगी। और इस फिल्म में मेरा जो किरदार है वो राजपुर है, जो इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हम यही चाहते हैं कि आप सब इस फिल्म को देखें और इससे जुड़ी हुई सारी जानकारियां लें, क्योंकि आज के समाज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। सबसे पहले जो फिल्म का कैनवास है वो काफ़ी बड़ा है, एंड मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि उस कैनवास को मैं मेरे म्यूज़िक से कैसे कोपअप कर पाऊँ या फिर एलिवेट कर पाऊँ, एंड वहाँ पे बहुत हेल्प मिली हमारे डायरेक्टर्स की, हमारे क्रिएटर्स की। सो एंड हमने काफ़ी लाइव चीज़ें की इसमें, कोरस किए, सितार किए, फ्लूट लाइव किया हमने। सो एक बहुत फुलफिलिंग साउंडस्केप क्रिएट किया हमने, जो कि इसको यू नो इस विजुअल्स को कॉम्प्लीमेंट कर पाए। आई कैन नॉट से कि उसको ओवर पावर कर पाए, बट डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट तो करेगी, इतना मैं कह सकता हूँ। थैंक यू। सुंदर फिल्म बनाई है, बहुत ही खूबसूरत बनी है, और जैसा कि आपने ट्रेलर देखा होगा अंदर, तो फ्रेम्स और स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी की हुई है, सारे एक्टर्स ने काम अच्छा किया है। बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, और जितना देखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, फिल्म के लिए अच्छा है, इस कल्चर के लिए अच्छा है। ये कल्चर दिखाने के लिए बहुत मेहनत किया डायरेक्टर ने, राइटर ने, सब लोगों ने। सो मेरा कहना बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बारे में लोगों को पता चले और ये फिल्म देखें। बस थैंक यू। सब लोग ये मूवी ज़रूर देखें, हालांकि सभी लोग बोलते हैं।
नायक है, बहुत कुछ धर्म को बनाने के लिए बहुत कुछ लोगों के ऊपर बीतती हैं चीज़ें, तो वो बहुत कुछ सीखने के लिए नई पीढ़ियों के लिए खासकर। तो ये मूवी देखे 19 अप्रैल, और स्टार्टिंग मेरे कैरेक्टर से ही होगी, ऋषभ देव का कैरेक्टर किया है जिन्हें आदि नाथ भगवान के नाम से जाने जाते हैं। और 24 लास्ट यानी कि 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी तक ये स्टोरी है, और बहुत कुछ खोया है धर्म को बनाने के लिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यू ऑल, आप सब लोग देखें। थैंक यू सर। ट्रेलर हमने बनवाया है तो हमें पता करना है आप लोगों से कि आप लोगों को कैसा लगा। ये विवेक जी हैं, प्रदीप हम दोनों डायरेक्टर डीओ है ना, बनाया दोनों ने। तो आप उल्टा हमें आपसे पूछना है आपको कैसे। पब्लिक से जैसा मैंने वहाँ भी बोला था कि ये फिल्म सिर्फ जैनों के लिए नहीं है, ये नॉर्मल पब्लिक के लिए भी है, क्योंकि जैनिज्म में जो बोला गया है जिस तरीके से हमने रिसर्च किया, मैं तो जैन रिलीजन से नहीं हूँ, लेकिन जितना हमने रिसर्च किया, जितना हमें सीखने मिला वहाँ से, मुझे लगता है कि नॉर्मल पब्लिक को भी ये सीख मिलनी चाहिए। जब एक कॉन्फ्लिक्ट होता है आज के तारीख में, तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हाथापाई कर लो या वॉर कर लो, हर जगह ये चल रहा है। जैनिज्म आपको क्या सिखाता है, कॉन्फ्लिक्ट पे भी पीसफुली उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। जैसा बोलते हैं ना, आग के साथ आग लगाना ज़रूरी नहीं है। जैनिज्म ये बोलता है कि अगर आग लगा रहा है सामने वाला, तो आप पानी डाल दीजिए उसको, आप सामने वाले के एग्रेशन में अपना एग्रेशन जोड़िए मत, उसको पीसफुली उसको हैंडल कीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए और उसे जीत लीजिए। जीतने का मतलब क्या होता है, अगर फोर्स से आपने किसी को जीता, राइट, आप आदमी का फिजिकली जीत सकते हो, आप उसका दिल नहीं जीत सकते। और आदमी को जीतने का आदमी को अगर आपको जीतना है तो उसका थॉट और उसका दिल जीतना पड़ेगा आज की तारीख में, राइट। तो ये फिल्म इतना इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड व्हाट जैनिज्म, व्हाट भगवान महावीर हैज सेड एंड व्हाट ही हैज गिवन टू द वर्ल्ड, दुनिया को उन्होंने क्या दिया है। तो हमारे हिसाब से जैनों को तो ये पता है, नॉन जैन जो है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक टाइम ये फिल्म ज़रूर देखें, क्योंकि उनका थॉट, उनका थिंकिंग प्रोसेस ये ज़रूर चेंज करेगा। थैंक यू। मान्यता पर आधारित कहानियाँ हैं, उसमें सिर्फ भगवान महावीर और उनके जीवन दायरे पर ही कहानियाँ आधारित हैं, लेकिन खरतरगच की कहानी पर अभी तक कुछ नहीं बना था। तो खरतरगच समिति और खरतरगच जो समुदाय है उसमें जिनेश्वर सूरी जो हैं, उन्होंने कैसे एक धर्म की राह पे चलते हुए बाकी जो अधर्म है उससे लड़कर एक खरतरगच की स्थापना करी। तो खरतरगच की ये कहानी, ये एक अंचुई है जिसको अभी तक फिर सिनेमा में सिनेमेटिक पर्दे पर नहीं उतारा गया है, पहली बार इस फिल्म के जरिए हमने ये दिखाया है। जी, इस पार्ट में पहले तो सबसे पहले ये दिखाया है कि 1080 में कैसे खरतरगच बना था, जैसे कि हर फिल्म का कोई फर्स्ट पार्ट होता है जहाँ पे उसका एस्टेब्लिशमेंट दिखाया जाता है, कैसे उसकी स्थापना हुई, वो एक रोचक कहानी के जरिए। अगर हम इसको डॉक्यूमेंट्री या सिर्फ इवेंट कर देते तो वो एक बोरिंग डॉक्यूमेंट्री लगता है, लेकिन उसको कहानी में बांधना और वो एक कथा है, कथा से उसकी कहानी कैसे बुनी जाती है और बुनने के बाद में उसकी स्थापना दिखाई, उसमें उसी वक्त का हिस्टोरिक, उसमें आज का नहीं है, ये सिर्फ 1080 साल जो है वो उसी विक्रम संवत की तय कहानी, इसीलिए माइथो और हिस्टोरिक ड्रामा है। ओके, शुक्रिया, थैंक यू। ट्रेलर से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि उम्मीद लोगों को जैन धर्म के बारे में आज तक ऐसा कुछ पहले आया नहीं है, कुछ बनाया नहीं है, इसलिए जब ये देखा तो बड़ा साफ सुथरा और बड़ा पॉजिटिव मैसेज है इसमें कि हम किसी को बड़ा या किसी को छोटा बताने की कोशिश नहीं कर रहे, हम केवल ये बता रहे हैं कि जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं और उनकी आज के युग में मान्यता क्या है, तो वो किसी के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है, इसके लिए सब लोगों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है ट्रेलर का। डन, थैंक यू।
अच्छे से सबने मेकर्स टीम ने और हम सब ने एक्टर्स ने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है और इस फिल्म को हम बोलेंगे कि आप ज़रूर अपने अपने घरों में और फिल्म थिएटर्स में देखें 19 अप्रैल को ऑन महावीर जयंती। मेरे ग्रेट कल का नाम श्रीधर था और उसका नाम था श्रीपति। हम दोनों यंगर रोल प्ले कर रहे हैं भगवान के, सो डेफिनेटली आप देखिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी मूवी, हमारी एक्टिंग कैसी थी वो भी बताइएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। देखिए चैलेंजेस तो बहुत थे क्योंकि मायथो है, तो हम लोग ने मायथो में एज ए बहुत काम किया है एज ए डी ओ पी। मैंने इस मूवी में स्पेशली हम लोग ने लाइट वाइज, कैमरा एंगल वाइज बहुत मेहनत की है, हर एक चीज़ छोटी छोटी प्रॉप्स प्रॉपर्टी, पहले लुक कैसा होता था, लाइट वाइज नेचुरल शूट होना चाहिए, और हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इसमें। जैसे हमारे डायरेक्टर साहब, उनको पहले ब्लॉक्स अच्छे लगने चाहिए, अच्छी लाइट होनी चाहिए, नेचुरल लाइट होनी चाहिए, तो हमने कोशिश की है कि बहुत अच्छा करें, लुक बहुत अच्छा मिले, ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी चल जाए। और कुछ भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे मौका मिला एक ऐतिहासिक धर्म के लिए कंपोज करने के लिए। दो ढाई साल की मेहनत रही है इस फिल्म के मेकिंग पर, चाहे वो मुझसे कोई बैकग्राउंड हो। तो बेसिकली जो ये फिल्म है ये सिर्फ जैन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसकी जो मैसेज है, जो टीचिंग है, आई फील कि इस दुनिया में सब लोग इसको देख कर लागू अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग, नॉट जस्ट जैन धर्म के लोग, बट सारे लोग जो भी आकर इस फिल्म को देखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ इस फिल्म से अपने लाइफ को एम्प्लॉय करके सीखेंगे। जो गाना मैंने कंपोज किया है जिसका नाम है दरस सिखाए, संग बाय जावेद अली और रिटन बाय हमारे दोस्त प्रशांत, उस गाने की बहुत ही कमाल की लाइन है जो कहती है कि दरस दिखाए खुद को सिखाए संयम ऐसी राह। तो दिस सॉन्ग स्पीक्स अबाउट संयम कंट्रोल। तो मुझे लगता है कि संयम एक ऐसी चीज़ है जो अपने इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर उसको कंट्रोल अपने आप पर करना सीख लिया तो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। तो इस गाने के जैसे ऐसे बहुत टीचिंग इस फिल्म में, आई फील पीपल कैन एम्प्लॉय द लाइफ एंड मेक द लाइफ मच बेटर प्लेस। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कम एंड वॉच दिस फिल्म इन थिएटर्स एंड गेट इंस्पायर्ड एंड लिव लाइफ इन अ बेटर वे। थैंक यू।